हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे स्टेथोस्कोप के बारे में। नाम तो आपने सुना ही होगा, और नाम नहीं सुना होगा तो देखा जरूर होगा। ये डॉक्टर्स के पास होते हैं और ये डिवाइस यूज होता है इंटरनल साउंड को सुनने के लिए। तो मैंने एक स्टेथोस्कोप मंगाया और चेक किया कि ये डॉक्टर्स एक्चुअली सुनते क्या है इंटरनल साउंड्स, कैसे इंटरनल साउंड्स होता है। मैंने भी काफ़ी बार देखा था बट रियल में कभी यूज नहीं किया था। तो इसके अंदर होती है एक पतली सी पाइप जो वर्क करती है मल्टीपल रिफ्लेक्शन के कंसेप्ट पे। जो भी इंटरनल साउंड्स आता है, यहाँ पे एक डिवाइस है गोल सा, इसमें आता है वाइब्रेशंस और उस वाइब्रेशंस को पाइप के थ्रू कान तक पहुँचता है मल्टीपल रिफ्लेक्शन के थ्रू। मैं म्यूजिक सुनने की कोशिश कर रहा हूँ, एक्चुअली ईयरफोन तो है नहीं, बट मैं टेस्ट कर रहा हूँ कि इससे क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन मेरे को कुछ भी ज़्यादा इससे फ़र्क नहीं पड़ा, इवन मेरे को क्लियर साउंड नहीं आ रहा था। फिर मैंने इंटरनल साउंड सुना, हार्ट की साउंड सुना, तो क्लियरली सुनाई दे रहा था। आप लोगों ने हार्ट के साउंड सुना ही होगा, लपधप की आवाज़ आती है। उसके बाद मैं अब वॉच के साथ देख रहा हूँ कि एक्चुअली वॉच से कैसा साउंड आता है। तो जब वॉच पे मैंने स्टेथोस्कोप को रखा तो काफ़ी ऐसा लग रहा था कि बहुत ज़्यादा मशीन चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा फैक्ट्री चल रहे हैं। एक छोटी सी वॉच के अंदर इतना ज़्यादा साउंड, ये रियली अमेजिंग था। उसके बाद मैं सुनता गया इस साउंड को। फिर अब मैं आर्टरीज के साउंड को सुन रहा हूँ कि ये कैसा है। ये भी सुनाई दिया बट काफ़ी कम था एज कम्पेयर टू हार्ट। हार्ट का साउंड काफ़ी ज़्यादा था बट जो आर्टरीज का साउंड था ये उसके कंपेरिजन में कम था। लेकिन ये चीज़ मेरे को तो बहुत ही अमेजिंग लगा। इस एक्सपेरिमेंट को मैं काफ़ी बार करता रहा, हार्ट के साउंड सुना, फिर उसके बाद स्टमक के भी साउंड सुना, क्योंकि ये चीज़ बिल्कुल अमेजिंग था। आपको भी कभी मौका मिले तो ज़रूर इस चीज़ के साथ ट्राई करें, क्योंकि ट्राई करने से नॉलेज बढ़ता ही है। एयर से मेरे को कोई साउंड नहीं आ रहा था, मैं सोच रहा था क्योंकि वाइब्रेशंस प्रोड्यूस तो होते ही हैं, बट एयर से कोई एक्स्ट्रा साउंड सुनाई नहीं दे रहा था। स्टमक के अंदर साउंड आ रहा था, कभी कभी तो पता ही हो साउंड ज़्यादा हो जाता है तो बाहर भी सुनाई देता है गुड़गुड़ की आवाज़। लेकिन नॉर्मली भी स्टमक के अंदर साउंड होता है जो कि इजीली सुन सकते हैं आप इस डिवाइस के थ्रू, स्टेथोस्कोप के थ्रू। आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।